ओके गाइस, तो आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। आज हम करने वाले हैं एमसीयू 22 क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो आपको पता है कि इग्नू एमकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि इंक्लूड किए गए हैं नए, प्लस जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे उनको फर्स्ट ईयर में ला दिया गया है। तो एमसीयू 22 जो एक नया सब्जेक्ट है जो कि ऐड किया गया है। ऑलरेडी इग्नू में ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है किसी और नाम से, बट नाम सेम है बट कोडिंग डिफरेंट थी। बट इनको इस सब्जेक्ट को वापस से इग्नू में जो हमारा एमकॉम का कोर्स है इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। ठीक है, देन इसको स्टार्ट करते हैं। डेटा क्या होता है? तो डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा का मतलब होता है जब आप कोई भी इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट से रिलेटेड चीजें जो है आप अपने पास नोट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा दो तरीके का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा जो होता है वो फर्स्ट टाइम डेटा होता है, जिसको आप सबसे पहली बार सपोज कोई चीज हुई और उससे जो भी डेटा निकल करके आई आपने उसको रिकॉर्ड करा, दैट इज फर्स्ट टाइम डेटा। ठीक है, बट उसी डेटा का जब आप दूसरी बार इस्तेमाल करोगे किसी और चीज में किसी और तरीके से, तो फिर वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा क्योंकि वो प्राइमरी डेटा अब नहीं रहा। प्राइमरी डेटा जो होता है वो रॉ डेटा होता है ना, जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है। लेकिन सेकेंडरी डेटा के ऊपर जल्दी प्रोसेसिंग हुई हुई होती है, वहाँ पे लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो डेटा के बारे में हम बात करेंगे, डेटा को किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके क्या क्या होनी चाहिए, डेटा कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए फिर देखते हैं। सो इट इज प्रोबेबली मोर कॉमन टू रेफर टू डेटा इन क्वांटिटेटिव फॉर्म एज स्टैटिस्टिकल डेटा, बट ऑल न्यूमेरिकल डेटा इज स्टैटिस्टिकल। सारे के सारे न्यूमेरिकल डेटा जो होते हैं वो स्टैटिस्टिकल होते हैं। इन ऑर्डर दैट न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन मे बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक, दे मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो किसी डेटा को, किसी डिस्क्रिप्शन को अगर आपको क्या कहेंगे स्टैटिस्टिक्स बोलना है तो उसमें ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, डेटा के कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होने चाहिए उसमें। तो क्या क्या है? सबसे पहला है दे मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, सिंगल अनकनेक्टेड फिगर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिनोमिनन। ठीक है ना, तो जो डेटा है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेटा जो है आपने कहीं से भी कोई भी डेटा ले लिया, वहां पे एग्रीगेशन किस तरीके से हो नहीं पा रहा है, क्या बोलूँ, जो डेटा है वो अनकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। एक डेटा कभी का है, एक डेटा किसी और टाइम का है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो फिर वहां पर जो डेटा है जो जो रियल जो उसका वैल्यू जो आउटकम है वो ठीक तरीके से निकल करके नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, प्रॉपर आंसर निकालने के लिए जो डेटा है वो एग्रीगेट फैक्ट्स होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ कनेक्टेड भी होना चाहिए। ठीक है, अनकनेक्टेड डेटा यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करते हो तो फिर वो ठीक तरीके से उसका रिजल्ट, उसका आउटकम नहीं आ पाएगा। दूसरा पॉइंट है दे शुड बी अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉल्स। फॉर एग्जांपल, इन सोशल सर्विस द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड आर अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जो भी डेटा एक तरीके से आप अपने पास रख रहे हो, जो भी डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा कि वो डेटा वैसा क्यों आया है। ठीक है, वो डेटा डिफरेंट भी आ सकता था बट वो डेटा पर्टिकुलरली वैसा ही आया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। तो जो भी कॉजेज हैं, जो भी रीजन है, उसको भी एक तरीके से रिकॉर्ड करके रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, इन सोशल सर्विसेज द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड आर अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स होंगे कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल, उस डेटा के साथ वो फैक्टर्स भी एक तरीके से रिकॉर्ड करके रखना इंपॉर्टेंट है कि इस फैक्टर के कारण हमारा डेटा जो है वो ऐसा आया है। अगर फैक्टर डिफरेंट होता, सपोज कोई इन्वायरमेंट की बात हो गई, जैसे कि सपोज गर्मियों के दिनों में जो गर्मी वाले कपड़े जो ठंडी वाले कपड़े होते हैं उनकी बिक्री एक तरीके से रुक जाती है, उनका सेल नहीं होता। ठीक है ना, तो डेटा गर्मी वाले टाइम का डिफरेंट होगा, ठंडी वाले टाइम का डिफरेंट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ठंडी के टाइम पे ठंडी पड़ती है और गर्मी के टाइम पे लोग ठंडी वाले कपड़े पहनेंगे क्यों, सिंपल सी बात है। तो ये फैक्टर यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट एक तरीके से क्लाइमेटिक फैक्टर है जिसके कारण से जो जो डेटा है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, जो डेटा होगा उसके साथ जो उसके फैक्टर्स होंगे, चाहे वो कंट्रोलेबल हो या फिर अनकंट्रोलेबल हो, उसको भी साथ में रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है दे मस्ट बी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ पे डेटा जो आप रिकॉर्ड करोगे अपने पास उसको आप रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का इस्तेमाल उसमें आप करोगे। एक्यूरेट डेटा होना चाहिए,
इधर उधर का डेटा अगर आप इस्तेमाल करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, इन द मेजरमेंट ऑफ हाइट वन में मेजर करेक्ट अप टू 0.01 सेंटीमीटर ऑफ 0.01 ऑफ अ सेंटीमीटर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड बाय सर्टेन टेस्ट्स ऑन स्मॉल सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम अ बिग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से एस्टिमेटेड डेटा और जो एक्यूरेट डेटा की बात की जा रही है, एस्टिमेशन तो आपका कुछ भी हो सकता है, एक्यूरेट तो एक्यूरेट होना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। पर समटाइम जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा यू नो एस्टिमेशन लगाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है इसका इतना है तो उसका भी तकरीबन इतना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज जब भी आप करोगे तो आपको ध्यान देना है कि जो डिफरेंस है एक्चुअल का और एस्टिमेशन का वो बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, यहाँ पे हाइट मेजरमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 0.01 एक सेंटीमीटर का जो है थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलूं ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में हमारा जनरली यही बोला जा रहा है कि आपको अपने डेटा को एक तरीके से एक्यूरेट रखना है, एस्टिमेट कर सकते हो बट बहुत ज्यादा वेरियंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो है तकरीबन सेम होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट है दे मस्ट हैव बीन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेटा का कलेक्शन होगा, डेटा रॉ डेटा जब हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले तो काम तो ये होता है कि आप उसको कलेक्ट करो, तो जो कलेक्शन होगा अगर कलेक्शन सिस्टमैटिक मैनर में नहीं होगा तो उसके बाद का प्रोसेस हो ही नहीं सकता ठीक तरीके से। तो कलेक्शन जो है वो ठीक तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द डेटा मस्ट हैव बीन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जो भी आपका प्री डिटरमाइंड पर्पस है, जो भी आपको करना है उस डेटा से, ठीक है ना, उस डेटा से आपको कुछ प्रिडिक्ट करना है, उस डेटा का आपको किसी चीज में इस्तेमाल करना है, जो भी आपका प्री डिटरमाइंड पर्पस है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में एक तरीके से जमा करना है, रखना है। ठीक है, फैक्ट्स कलेक्टेड इन हैपजार्ड मैनर एंड विदाउट अ कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कंफ्यूजिंग एंड कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड कंक्लूजंस। ठीक है, जो भी फैक्ट्स एक तरीके से आप कलेक्ट करोगे, अगर आप वो हैपजार्ड मैनर में करते हो, उल्टा पुल्टा करते हो, एक डेटा को आपने आज रिकॉर्ड करा, दूसरे डेटा को किसी और दिन रिकॉर्ड करा, तीसरे डेटा वाला दूसरे वाले जगह पे आ गया है, तो इस तरीके से चीजें अगर होंगी तो आपका जो डेटा है, जो जो आउटकम है वो ठीक तरीके से निकल नहीं पाएगा, जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी वैल्यू ठीक तरीके से निकल नहीं पाएगी। तो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, इसको समझना है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, देखो डेटा ऑन द प्राइस सर्व्स नो पर्पस अनलेस नो वन नोज वेदर ही वांट्स टू कलेक्ट डेटा और होलसेल और रिटेल प्राइसेस एंड व्हाट आर द रेलेवेंट कमोडिटीज इन व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं बोला गया है, बट यहाँ पे एक तरीके से जो डेटा है, जो होलसेल डेटा है या फिर रिटेल डेटा है, उसको कलेक्ट करने की बात की जा रही है। तो होलसेल डेटा को होलसेल डेटा की जगह पे एक तरीके से कलेक्ट करेंगे सिस्टमेटिक मैनर में, और जो रिटेल डेटा होगा, जो रिटेल प्राइसेस का डेटा होगा कि इस चीज का जो रिटेल प्राइस है, किसी प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस जो है वो ये है, किसी कमोडिटी का रिटेल प्राइस ये है, उसको भी लाइक रिटेल वाले को रिटेल के साइड ही करना होगा, उसको आप होलसेल वाले के साइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो एकदम जो पॉइंट बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो आपका प्री डिटरमाइंड पर्पस स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जो पर्पस है उसको ध्यान में रख करके ही आपको करना होगा। ठीक है, इधर उधर मिला देंगे, होलसेल वाले को रिटेल में मिला देंगे, रिटेल वाले को होलसेल वाले में मिला देंगे तो दिक्कत होने लगेगी, वो चीजें नहीं करनी। फिफ्थ नंबर पॉइंट है दे मस्ट बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो डेटा है वो एक साथ रिलेशन में रहेगा तभी तो डेटा ठीक तरीके से निकल पाएगा। दिस इज डेटा कलेक्टेड शुड बी कंपेरेबल, डेटा को आप एक दूसरे से कंपेयर कर सको, इस तरीके से आपको करना है। अदरवाइज दीज कैन नॉट बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स ऑन ईच यील्ड ऑफ कॉर्प एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल आर रिलेटेड बट दीज यील्ड्स कैन नॉट हैव एनी रिलेशन विद द स्टैटिस्टिक्स ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो डेटा एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे यील्ड ऑफ अ कॉर्प के बारे में बोला जा रहा है कि आपने जो कॉर्प लगाया था, जो आपने एक तरीके से क्या बोलो कॉर्प को क्या कहते हैं, फसल, फसल, हाँ, तो जो फसल जो आपका हुआ है खेती में जब हम करते हैं तो उसमें फसल होता है, जो फसल हुआ है वो आपकी क्वालिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो जो भी डेटा निकल करके आएगा वो क्वालिटी ऑफ सॉइल का जो डेटा होगा या फिर या जो यील्ड ऑफ कॉर्प का डेटा होगा वो एक तरीके से दोनों एक रिलेशन में रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रिलेशन में ना रहे, ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी होगी सॉइल की तो आपका जो यील्ड ऑफ कॉर्प है, जो फसल का जो उत्पादन है वो और भी अच्छा होगा, पर अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो फिर यील्ड भी ठीक तरीके से हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो वो एक इश्यू हो जाती है।
और यहाँ पे देखो एक और बात बोली जा रही है कि जो डेटा यहाँ पे निकलेगा इसका रिलेशन जो है हेल्थ ऑफ द पीपल के ऊपर नहीं रहेगा। समटाइम्स के मैक्सिमम टाइम्स इंडिया में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है खेती में, तो उस खेती जो जिस भी सॉइल का जो भी ईल्ड है, जो भी ईल्ड ऑफ क्रॉप है, उससे मनुष्यों के या पीपल के हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इस चीज का रिलेशन जो है उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है वो सॉइल का फसल को उगाने के ऊपर होता है, ना ही हेल्थ के ऊपर होता है। हेल्थ का भी डेटा अलग से बनाया जा सकता है कि ये वाला फसल खा करके या एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड का फसल खा करके या ऑर्गेनिक का फसल खा करके हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, बट यहाँ पे जो रिलेशन है बिटवीन द टू डेटाज वो है यील्ड ऑफ क्रॉप और क्वालिटी ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का जो रिलेशन है वो हेल्थ ऑफ द पीपल के बारे में एक तरीके से नहीं बताया गया। ठीक है ना, तो मेन बात यही है, जो डेटा होगा उन सबके बीच में एक कलेक्शन, एक रिलेशन जो है आपको मेंटेन करके रखना है, एक रिलेशन में होना चाहिए कि ये हमारा डेटा है तो उसके पीछे ये रीजन है, इस तरीके से। छठा और आखिरी पॉइंट है, दे मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। डेटा जो है उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि इतना आया उतना आया, उसको न्यूमेरिकली लिखना इम्पॉर्टेंट है। इसमें से चलो एक 1000 हुआ है, इसमें से 2000 हुआ है, तो डेटा को न्यूमेरिकली एक तरीके से एक्सप्रेस करना इम्पोर्टेंट है। दिस इज एनी फैक्ट्स टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड, है ना। तो जो डेटा होता है उसको अगर आपको स्टैटिस्टिक्स बोलना है या स्टैट्स बोलना है कि ये डेटा जो है ये स्टैट्स है हमारा, ये दर्शाता है कि लास्ट टाइम पिछले मंथ में हमारी कितनी सेल हुई है या पूरे साल में कितनी सेल हुई है, तो इसको दर्शाने के लिए आपको डेटा को न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ईटीसी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे आर क्वांटिफाइड। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर बात करें, सपोज कोई प्रोडक्ट है उसको उसमें ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, तो ये एक तरीके से क्वालिटी हो गई किसी चीज की। ठीक है ना, क्वालिटी को हम लोग जब तक क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्वालिटी को जब तक हम लोग क्वांटिटी में नहीं लिखेंगे, तब तक उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जा सकता, तब तक उसको डेटा एक तरीके से नहीं बोला जा सकता। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा भी होता है बट उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे चीजें जो है क्वांटिफाइड नहीं है, क्वांटिटी में नहीं लिखा हुआ, अमाउंट में नहीं लिखा हुआ है, अमाउंट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा है। MCQ 21 में ये क्वेश्चन, MCQ 21 में बहुत सारे सम्स भी रहेंगे। आई डोंट नो ऑनलाइन में सम्स कितने करा पाऊंगा, बट स्टिल थ्योरेटिकल पोर्शन जो है तकरीबन 100 नंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 60 to 80 मार्क्स के आपको थ्योरी भी मिल जाएंगे, और में रहेगा पर रहेगा। ठीक है, तो थ्योरी पे हमारा फोकस थोड़ा ज्यादा होगा, सम्स थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा ब्रशिंग करना पड़ेगा तभी जाकर के थोड़ा सा इसको इजी हो पाएगा। खैर, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था। आई होप कि ये टॉपिक पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।